सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दो 5G मिड रेंज चिपसेट के बारे में, एक है सैमसंग का और दूसरा है क्वालकॉम का। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G जो कि लेटेस्ट में लॉन्च हुआ है, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्जिनोस के 980 के बारे में। तो एक्जिनोस 980 के साथ भी दो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, एक है आप लोगों को सैमसंग का A51 5G और दूसरा स्मार्टफोन है A71 5G, और जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G के साथ लॉन्च हुआ है रेडमी का K30 रेसिंग एडिशन। तो आज मैं इन दोनों मिड रेंज के 5G चिपसेट को कंपेयर करूँगा और देखूँगा कि आपके लिए कौन सा चिपसेट बेहतर यहाँ पर होगा। ऑनेस्टली बोलूँ तो जो क्वालकॉम का चिपसेट रहता है वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो मुझे क्वालकॉम का चिपसेट में ज़्यादा बेहतर लगता है देखने को। एक्जिनोस 980 8 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, जबकि जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 768G है ये 7 नैनोमीटर के ऊपर बना हुआ है, तो थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है आपका 768। बात करते हैं तो कुछ जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन यहाँ पर है वो तो आप समझ जाएंगे कि कैसा है और किस में आपको ज़्यादा बेहतर यहाँ पर मिलेगा। एक्जिनोस का जो 980 है ये बेसिकली 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक किया जाता है, जबकि जो 768G है इसे 2.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर क्लॉक किया जाता है, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा पावरफुल है और फास्ट है। दोनों चिपसेट 5G को सपोर्ट करता है। आपको क्वालकॉम का चिपसेट में X52 का मॉडेम भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं GPU की, तो सैमसंग के 980 में आपको मिलता है जो मालिक का G76 GPU, जबकि आपको क्वालकॉम का 768G में मिलता है एड्रिनो का 620 GPU। तो एड्रिनो का जो GPU रहता है वो मेरे ख्याल से गेमिंग के लिए एक बेहतर डील है और उसको काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर हैंडल करता है, जबकि मैंने एक्जिनोस के चिपसेट का देखा हूँ, यहाँ तक कि एक्जिनोस के चिपसेट फ्लैगशिप में भी आपको कुछ गेमिंग में ना फ़र्क बुझा, मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसा ये चिपसेट है और गेमिंग में किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो जो क्वालकॉम का चिपसेट रहता है एड्रिनो का GPU रहता है वो मेरे ख्याल से गेमिंग के लिए ठीक है। अब बात करते हैं CPU के बारे में, तो दोनों ही स्मार्टफोन ऑक्टाकोर चिपसेट है, और जो एक्जिनोस का 980 में दो कोर को क्लॉक किया जाता है कॉर्टेक्स A77 2.2 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर, जबकि बाकी के 6 कोर को क्लॉक किया जाता है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर कॉर्टेक्स A55 CPU के साथ। और बात करते हैं अगर हम लोग क्वालकॉम के चिपसेट के साथ, तो यहाँ पर आपको मिलता है क्रायो का 475। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मुझे तो क्वालकॉम का चिपसेट ज़्यादा पसंद आता है, और मे बी आप सैमसंग को भी अपने जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स है उसमें क्वालकॉम का चिपसेट दे देना चाहिए, क्योंकि उनके जो चिपसेट है वो गेमिंग के लिए भी और डेली टू डे यूजर्स में भी काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर लाता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्वालकॉम का चिपसेट, तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको कौन सा चिपसेट यहाँ पर ज़्यादा पसंद आया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।